हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। हमने शुरू कर रखी है इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और इसमें हम काफी सिद्धांत पढ़ चुके हैं। लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गार्डनर की थ्योरी और जिसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। लेकिन कईयों में यह डाउट बना रहता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी यह क्लियर किया था कि जब लिखा आए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल के बाद जब इंटेलिजेंस लिखा आए तो समझ जाइए वह थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने। और अगर मल्टीपल के बाद आपको फैक्टर लिखा दिखाई दे रहा है तो वह थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। तो फिर से मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन अगर फिर भी हो तो वो भी हट जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी और यह बिल्कुल ही नई थ्योरी है। देखते हैं कौन सी नई थ्योरी हम करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, आज की थ्योरी है ट्राइकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी थ्योरी हम करने वाले हैं गाइस? इसे हिंदी में कहते हैं त्रितंत्र। क्या कहते हैं इसे? त्रितंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राइकिक थ्योरी। और हिंदी में हम इसको लिख लेते हैं यहां पे, इसे हिंदी में कहा जाता है त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है, यही कि यह थ्योरी किसने दी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यह थ्योरी है बाय स्टर्नबर्ग द्वारा। यह थ्योरी दी है स्टर्नबर्ग ने और कब दी थी? 1955 में यह थ्योरी इन्होंने दी थी। और इन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में कि इसको त्रितंत्र क्यों कहा जाता है, ट्राइकी क्यों कहा जाता है, वो हम बात करेंगे अभी। कि इसे ट्राइकी यानी कि त्रितंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बुद्धि के, इंटेलिजेंस के थ्री एस्पेक्ट बताए हैं। और उन्होंने कहा है जब ये थ्री एस्पेक्ट इंटेलिजेंस में होते हैं तो वह एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बन जाती है। और सक्सेसफुल इंटेलिजेंट वह होती है जिसमें तीन फैक्टर होते हैं या फिर जिसके थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की बात किसने की है, यह वर्ड किसने यूज किया था, तो यह किया था स्टर्नबर्ग ने। हम इसको लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे, नोट्स बनाने में हेल्प रहे। तो क्या आता है ये सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हम यहां पे लिख लेते हैं सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की बात कही, वह किसने की? वह बात की स्टर्नबर्ग ने। और उन्होंने कहा सक्सेसफुल इंटेलिजेंस में तीन फैक्टर होते हैं या फिर हम कह सकते हैं थ्री एस्पेक्ट होते हैं। क्या कहा? यहां पे हम लिखेंगे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस वह होती है जिसमें थ्री एस्पेक्ट होते हैं या थ्री फैक्टर भी कह सकते हैं हम, थ्री फैक्टर होते हैं। तो वह थ्री एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, त्रितंत्र कौन कौन से हैं? तो वह गाइज ये है, हम लिख लेते हैं बारी बारी से। नंबर वन, इसे कहा जाता है एनालिटिकल। तो थ्री एस्पेक्ट में सबसे पहला है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो इस इंटेलिजेंस में क्या कहा है वह हम आगे देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि वे तीन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, तीनों के हम नाम लिख लेते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और नंबर थ्री, इसे में उन्होंने बताया है नंबर थ्री में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिक को हम हिंदी में कहेंगे विश्लेषणात्मक। क्या कहेंगे? विश्लेषणात्मक बुद्धि। और
क्रिएटिव को हम कहेंगे रचनात्मक या संरचनात्मक भी हम इसको कह सकते हैं। थर्ड है प्रैक्टिकल थिंकिंग, इसे हम कहेंगे व्यवहारिक बुद्धि। क्या कहेंगे इसे हम? व्यवहारिक बुद्धि। तो चलिए इनको डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी थिंकिंग है हमारी, कौन सी इंटेलिजेंस है? सबसे पहले हमारी आती है एनालिटिकल, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो एनालिटिकल में क्या कहा है स्टर्नबर्ग ने, ये कहते हैं कि जिन पर्सन की, मतलब इसमें हमारे माइंड में ऐसे इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म होते हैं जिससे हम इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा बिहेवियर होता है इंटेलेक्ट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एनालिटिकल थिंकिंग, और हम इसी बुद्धि से किसी चीज की, किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और इसी चीज से हम किसी भी चीज को एनालिटिक करते हैं, यानी कि विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज का। तो और इसीलिए इसको कहा जाता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसके साथ साथ में इसको एक नाम और दिया जाता है, वह नाम है, हम वह नाम भी लिख लेते हैं, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है घटकीय बुद्धि। तो इसमें क्या कहा है कि यह बुद्धि हमारे इंटरनल मैकेनिज्म, क्या होता है इस बुद्धि में? इंटरनल मैकेनिज्म होता है, इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म होती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इन्होंने कहा है कि इस इंटेलिजेंस से या इस बुद्धि से, इस बुद्धि से हम, बुद्धि से या बुद्धि में हम आलोचनात्मक, जिसको कहेंगे हम क्रिटिसाइज करते हैं जिसको, वह वाली चीज आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालिटिकल विश्लेषणात्मक ढंग से, विश्लेषणात्मक ढंग से सोचते हैं, विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने की क्षमता होती है, यानी कि जिनमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है वह लोग किसी भी चीज को खोल के, बिल्कुल परख के, अच्छे तरह से विश्लेषण करके, संश्लेषण करके उसको हर नजरिए से देखेंगे। वो कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, तो इसी तरह से जिसमें यह इंटेलिजेंस होगी वह बाल की खाल निकाल के देखेगा। और इसको दूसरा नाम क्या दिया है इसका? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि घटकीय बुद्धि। अब इसके आगे स्टर्न ने तीन सब कंपोनेंट्स भी बताए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम इसके सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर वन पे सब कंपोनेंट्स कौन सा है, तो इसका नाम है मेटा कंपोनेंट, इसे हिंदी में कहा जाता है मेटा घटक, मेटा घटक इसे कहा जाता है हिंदी में। और इससे क्या कहा जाता है कि इसमें, जिसमें यह मेटा घटक अच्छा होता है, इस मेटा घटक से हम, यानी किसी, कोई भी पर्सन किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करता है, उस काम को मॉनिटर करता है, या फिर उस काम के लिए जो लास्ट डिसीजन होता है ना वो लेता है इसी मेटा कंपोनेंट से, क्या करता है? और इसमें कहा गया है कि मेटा कंपोनेंट से हम हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव प्रोसेस करते हैं। क्या कहा गया है इसमें? हम हाई लेवल के, कैसे लेवल के? हाई लेवल के, या फिर उच्च स्तरीय भी हम लिख सकते हैं, हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव करता है प्रतिक्रियाओं, यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोसेस करता है, किससे करता है? मेटा कॉग्निशन नहीं, यहां पे है मेटा कंपोनेंट से, प्रोसेसेस।
और इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन पर्सन या ह्यूमन किसी भी कार्य को करने में क्या बनाता है, प्लानिंग बनाता है, वो यहीं से बनाता है मेटा कंपोनेंट से, प्लानिंग करना और उसे मॉनिटर करना और उस काम को लास्ट हम क्या कहते हैं, हमारा डिसीजन लेना, यानी कि अंतिम निर्णय, हमारे कार्य का अंतिम निर्णय कहां से लेता है, वह लेता है अंतिम निर्णय लेने के लिए भी इस मेटा कंपोनेंट्स का प्रयोग करते हैं हम अपनी इंटेलिजेंस में। यानी कि जो हाई लेवल के काम होंगे, डिसीजन के जैसे काम होंगे, वो सारे काम कहां से करते हैं, हम मेटा कंपोनेंट से हम करते हैं, इसी मेटा कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं जब हाई लेवल के काम कर रहे होते हैं या फिर अपने काम का मॉनिटर कर रहे होते हैं या प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर उस काम से रिलेटेड लास्ट डिसीजन हमें लेना होता है, तो हम मेटा कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। सेकंड सब कंपोनेंट्स बताया है इसमें, परफॉर्मेंस कंपोनेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है गाइस निष्पादन घटक। अब इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें होता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसे पहचानते हैं, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो हम करते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट से। और यह कहा जाता है कि इस तरह से हम व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर जो कार्य करता है, चीजें करता है, रिस्पॉन्स करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, वो होती है इसी में। तो क्या कहा गया है कि जिसमें किसी कार्य को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी काम को, कार्य या वस्तु या ऑब्जेक्ट्स को का या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, प्रत्यक्षीकरण को हम कह सकते हैं परसेप्शन करते हैं किसी चीज की, और कहा जा गया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट को पहचानना। यह सब कार्य हम कहां से करते हैं, परफॉर्मेंस कंपोनेंट से। और इन्होंने कहा है कि इस कंपोनेंट से व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर रिस्पॉन्स करने में हेल्पफुल रहता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर रिस्पॉन्स करने में सहायता करता है या सहायता देता है। कौन देता है, ये हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स देता है। अब थ्री नंबर पे हम देखते हैं कि मेटा कंपोनेंट्स भी हो गया, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स भी हो गया। अब थर्ड हमारा इन्होंने बताया है स्टर्नबर्ग ने, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या है, पहले हम इसको हिंदी में जानेंगे। इसमें हिंदी में कहा गया है ज्ञान संग्रहण घटक। क्या कहा गया है, ज्ञान संग्रहण घटक। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम ऐसे रिस्पॉन्सेज से, इसका मतलब होता है ऐसे रिस्पॉन्सेज जिससे हम नई इंफॉर्मेशन को सीखने में उपयोग करते हैं, यानी किसी नई नॉलेज को, नई इंफॉर्मेशन को हम अपने अंदर धारण करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है संग्रहण, संग्रहण होता है इकट्ठा करना, अपने आप में स्टोर करना। तो इन्होंने कहा है कि नई नॉलेज को हम सीखते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसे जब व्यक्ति, और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने पुराने विचारों या पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन एवं मौलिक तरीका संगठित करना चाहता है, कि एक तरह से हम अपनी पुरानी और नई इंफॉर्मेशन को एक तरह से स्टोर करना चाहते हैं उनमें तालमेल बिठाकर। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले तो कि व्यक्ति या पर्सन नई सूचनाओं या फिर नॉलेज को
सूचनाओं या फिर नॉलेज को सीखने के लिए, सीखने में उपयोग करता है, इस कंपोनेंट्स का उपयोग करता है, यानी कि स्टोर करता है अपने माइंड में। तो ये तो थी हमारे थ्री कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स किसके थे ये, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस के हमारे ये सब पार्ट थे। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट यानी सेकंड एस्पेक्ट क्या दिया था इंटेलिजेंस का, वह था हमारा क्रिएटिव, क्या था गाइस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हिंदी में कहा जाता है रचनात्मक बुद्धि या फिर संरचनात्मक बुद्धि, और इसे एक नाम से और जाना जाता है, वह नाम भी हम याद रखेंगे ताकि अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो हमें याद रहे कि यह कौन सी थ्योरी का पॉइंट है या कौन सी थ्योरी में हमने यह सुना था इंटेलिजेंस। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अनुभवजन्य इंटेलिजेंस या बुद्धि। इसको हम यहां पे देखिए, मैं यहां पे हिंदी लिख लेती हूं, इसकी अनुभवजन्य बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि जो भी हमारी सूझ होती है, हमारी इनसाइट होती है, वह इसी इंटेलिजेंस में आती है, वह इसी इंटेलिजेंस में आती है। जैसे कि हमने इनसाइट थ्योरी पढ़ी थी जहां पर हमें नए नए जो सॉल्यूशन होते थे वो आ जाते थे और अचानक से हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था। तो यहां पर वही इनसाइट की बात की ही गई है कि जो हमारी इनसाइट होती है वह होती है हमारे इसी क्रिएटिव थिंकिंग में, क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आती है। और इसमें कहा गया है कि जो नए नए विचार होते हैं, नए नए हमारे आइडियाज होते हैं, वो हम इसी इंटेलिजेंस से क्रिएट करते हैं, यानी कि न्यू आइडियाज कहां से आते हैं, हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस से ही आते हैं। न्यू आइडिया को क्रिएट करना, क्रिएट करने की एबिलिटी, क्रिएट करने की एबिलिटी कहां से होती है, किसमें होती है, किसी इंटेलिजेंस में होती है, वह होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। और एक्सपीरियंशियल इसको इसलिए कहा गया है कि इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर अपनी नई नॉलेज को सॉल्यूशन करने के नए तरीके ढूंढता है। क्या कहा गया है इसको, एक्सपीरियंशियल किस लिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें व्यक्ति नई परिस्थितियों एवं समस्याओं से निपटने की क्षमता जो रखता है वो कहां से लेके आता, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है कि लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था तो यह आइडिया काम आ सकते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन से न्यू आइडिया आ सकते हैं जिससे मैं और आसानी से इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि अपने अनुभवों से भी सीखता है और नए नए आइडिया भी क्रिएट करता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और आगे हम देखते हैं कि इसका तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है, तीसरी एस्पेक्ट में क्या कहा गया है। तो थर्ड एस्पेक्ट का पहले हम नाम लिख लेते हैं, क्या नाम बताया था, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और इसको दूसरा नाम दिया गया है, वह भी हम लिखेंगे, इसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्चुअल इंटेलिजेंस। कंस्ट्रक्चुअल को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी हम जानेंगे, इसे हिंदी में कहा जाता है संदर्भात्मक बुद्धि। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है जैसा कि इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है, तो ऐसी बुद्धि मतलब जिन व्यक्तियों में ऐसी इंटेलिजेंस होती है वह अपने एनवायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट अच्छे से कर लेते हैं, अडेप्टेशन पावर एबिलिटी उनमें अच्छी होती है, यानी कि जैसी सिचुएशन होगी, जैसे एनवायरमेंट होगा, वह उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि उनकी अडेप्टेशन एबिलिटी काफी अच्छी होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जिसमें यह इंटेलिजेंस अधिक होगी, जिसमें यह
इंटेलिजेंस अधिक होगी या फिर अच्छी होगी, वे स्वयं को या अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, यानी कि उनमें अडेप्टेशन पावर अच्छी होती है, अडेप्टेशन एबिलिटी। तो इसके बारे में देखिए और भी जानेंगे हम क्या क्या होता है इसमें। और जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक बुद्धि होती है, उनमें अगर उनके सामने विपरीत सिचुएशन आ जाए, कैसे विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के होने पर भी अगर उनकी लाइफ में ऐसी मुश्किल घड़ियां आ जाए, विपरीत सिचुएशन आ जाए, परिस्थिति के होने पर भी डटकर सामना करते हैं और इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से आसानी से निकल जाते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं, मतलब ये कहा जाता है कि चाहे कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो, जिनके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी अच्छी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, वह अपनी लाइफ में सफल रहते हैं और क्या कहते हैं, हार नहीं मानते। ऐसे लोग आसानी से निकल जाते हैं, कभी हार नहीं मानते। जैसा एनवायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, उस सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप में वे चेंज लाते जाते हैं। और कभी भी यह ऐसे नहीं रहते कि हमें चेंज नहीं होना है, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग वह बदलते जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है, विपरीत परिस्थिति होने पर भी ये लोग अपने आप को संभाल लगते हैं, अपने आप में संतुलन बनाए रखते हैं। तो और इसमें भी यहां पर भी इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपोनेंशियल को यानी कि प्रैक्टिकल थिंकिंग को, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को। तो क्या है पहला पार्ट हम देखते हैं, पहला पार्ट है अडेप्टेशन। क्या है अडेप्टेशन? यह हमने कहीं और भी पढ़ा था ना गाइस, यह हमने पढ़ा था पियाजे की थ्योरी में, और उन्होंने क्या कहा था, अडेप्टेशन की बात कही थी। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है समायोजन या अनुकूलन भी हम इसको, कहीं जगह पे लिखा होता है अनुकूलन भी हम इसको कह सकते हैं। तो अनुकूलन क्या होता है, यह अनुकूलन यह अडेप्टेशन होता है कि एनवायरमेंट की जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग के अंदर ऐसे स्किल डेवलप कर लेना जिससे कि हम एनवायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं, उसको अडेप्ट कर ले एनवायरमेंट को। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, कैसे, इससे क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, विशेष वातावरण या विशेष एनवायरमेंट की डिमांड की, या फिर हिंदी में हम लिख सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में भी बता रही हूँ साथ साथ में जो भी वर्ड आता है, के अकॉर्डिंग स्किल, ऐसे स्किल डेवलप करना या करना ऐसे स्किल डेवलप करना जिससे हम एनवायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं, एनवायरमेंट में रह पाए आसानी से। देखिए मैं बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में करवा रही हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अडेप्टेशन क्या हो गया कि जैसा एनवायरमेंट की डिमांड है वैसे स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेना और अपने एडजस्ट अच्छे से हो जाना एनवायरमेंट में, ये होता है अडेप्टेशन। और किसका पार्ट है ये पार्ट है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। सेकेंड यहां पर बात की गई है सिलेक्शन की। किसकी बात की गई है, सिलेक्शन। सिलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, चयन। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति या पर्सन अपना एनवायरमेंट को छोड़कर किसी ऐसे एनवायरमेंट का सिलेक्शन कर लेता है जिसकी उसे जरूरत होती है या जिसमें वह अपना टैलेंट, अपनी प्रवीणता को अधिक उपयोग कर सके, अपने टैलेंट को। तो क्या कहा गया है इसमें, ऐसे एनवायरमेंट को व्यक्ति अपना एनवायरमेंट छोड़ देता है जो उसको पसंद नहीं है, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, वैसा उसको छोड़ देगा एनवायरमेंट को। तो इसमें कहा गया है पर्सन
पर्सन, अपना, एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट को छोड़कर किसी ऐसे वातावरण या एनवायरमेंट को सिलेक्ट कर लेगा या फिर चयन कर लेगा, सिलेक्ट करता है जो उसकी नीड या नीड और टैलेंट के लिए अधिक सूटेबल हो, या फिर अगर प्रॉपर हिंदी में कहें तो होगा उपयुक्त हो, उपयुक्त होता है। तो सिलेक्शन क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया कि जो एनवायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है उसको हम छोड़कर ऐसे एनवायरमेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे एनवायरमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जहां पर हमारी टैलेंट को परखा, हमारे टैलेंट को अच्छे से एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां से हम अपने टैलेंट के द्वारा एडजस्ट कर पाते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट पार्ट बताया गया है इसका, जिसका नाम है शेपिंग। अब शेपिंग आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, तो शेपिंग पढ़ा था हमने स्किनर की थ्योरी में। कहां पे पढ़ा था हमने? स्किनर की थ्योरी में। और इसको हिंदी में भी इसको शेपिंग ही कहा जाता है। तो शेपिंग का क्या मतलब है यहां पर बताया गया? शेपिंग का मतलब यहां पर बताया गया है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते और वह अपने लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब एनवायरमेंट में ही वह चेंज करना चाहते हैं जिसके द्वारा वह अच्छे से एडजस्ट हो पाए, यानी कि तालमेल बिठा पाए उस एनवायरमेंट में। तो इसमें क्या कहा गया कि जो उसने सिलेक्ट किया है वातावरण के बीच, जो भी प्रैक्टिकल वो नहीं हो पा रहे हैं, व्यवहारिक नहीं जी पा रहे हैं अच्छे से, तो वह व्यक्ति वातावरण में कुछ इस ढंग से चेंज कर लेगा कि उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। क्या हो जाए? एनवायरमेंट। यानी कि एनवायरमेंट में ही, हम यहां पर लिख लेते हैं, एनवायरमेंट में ही चेंज करता है, एनवायरमेंट में चेंज करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है ताकि उसकी आवश्यकता या नीड के अकॉर्डिंग हो जाए। क्या हो जाए? एनवायरमेंट। तो यह थी हमारी थर्ड इंटेलिजेंस, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसमें करी गई है तीन तरह के पार्ट की बात, एडेप्टेशन की, सिलेक्शन की और शेपिंग की। एडेप्टेशन में हमने क्या किया? हमने जैसे हमारे एनवायरमेंट की डिमांड है उसी तरह से हमने खुद को डेवलप कर लिया, उसी तरह से स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिए ताकि हम एनवायरमेंट में अच्छे से सेटल हो सके, अच्छे से एडजस्ट हो सके। सेकंड में हमने क्या किया? सिलेक्शन में हमने किया सिलेक्शन, जो एनवायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है हमने उसे छोड़कर ऐसे एनवायरमेंट को अपना लिया जो हमारी आवश्यकता को भी पूरा करता है और जहां पर हमारे टैलेंट की भी कदर हो रही है। थर्ड है यहां पर शेपिंग। यहां पर क्या किया? हमने कुछ भी खुद के अंदर चेंज नहीं किया, हमने एनवायरमेंट को ही चेंज करने की कोशिश की और अपने नीड के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को बनाना चाहा। तो यह थी हमारी थ्योरी स्टर्नबर्ग के द्वारा। और स्टर्नबर्ग ने क्या थ्योरी दी है? क्वेश्चन क्या आएगा? स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? तो उन्होंने दी है ट्राई की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हिंदी में कहेंगे त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। तो यह थी हमारी थ्योरी। और अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।